नमस्कार, प्रणाम। मैं काजल राघवानी आप सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। और मुझे बिहार से बहुत प्यार मिला है और मैं तो चाहूँगी हमेशा मिले। बट जो भी दो दिन पहले जो भी घटना हुई बिहार में, वैशाली जिला में, अच्छी नहीं थी। खास करके उस इंसान के लिए जो बिहार से ही है और आप सब उन्हें इतना प्यार करते हैं, तो बिहार के पब्लिक अगर उन्हें, जो बिहार का है जिन्हें इतना प्यार देके आज आपने यहाँ इस बुलंदी तक पहुँचाया है और उन्हीं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे, सो ये कहाँ की इंसाफी है बताइए। मुझे कई कमेंट्स आए कि आप लाइव नहीं आई उनके लिए, बट हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और हमेशा करेंगे सपोर्ट, बिकॉज मैं एक एक्टर भी हूँ और उनकी अच्छी दोस्त भी हूँ, एंड मैं हमेशा उनको सपोर्ट करूँगी। वो हमारे स्टेज के किंग है और पूरी इंडस्ट्री जानती है और उनसे कोई जीत भी नहीं सकता। पर मुझे सीरियसली बताओ तो मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ का कि जिस धरती पे वो पैदा हुए हैं, बिहार की धरती पे, और उस धरती पे ही उनके इतने सारे दुश्मन हैं। क्यों? मुझे रीज़न आप लोग बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स के आज जवाब देने वाली हूँ। मैं आज कोई चीज़ करने नहीं आई हूँ कि आज प्रमोट करना है, मेरी फिल्म लग रही है, मेरा सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, उन सब चीज़ों के लिए आज मैं लाइव नहीं आई हूँ। आज मैं लाइव आई हूँ तो केसारी जी के लिए, बिकॉज़ मेरी बहुत अच्छे फ्रेंड है और मेरे कोस्टार अच्छे हैं, एंड आप तो जानते ही हैं हमारे भोजपुरी के जो इतने बड़े स्टार भी हैं। सो बातें होती है हमेशा अश्लील गानों की, उनको लेके, तो अश्लील गानों को क्या आप लोग बढ़ावा नहीं देते हैं? मैं हमेशा कमेंट्स देखती हूँ जो अश्लील सॉन्ग्स होते हैं, डबल मीनिंग की बातें में सॉन्ग्स होते हैं, उसको हमेशा ज़्यादा व्यूवर्स क्यों मिल जाते हैं? मैं ये कभी समझ नहीं पाई। इसका भी आप लोग मुझे रीज़न दीजिए। हम लोग अच्छे गाने भी बनाते हैं, सॉन्ग्स तो हमारे अच्छे भी होते हैं, बट उसके व्यूअर्स क्यों ज़्यादा नहीं होते हैं? फिर आप लोग जिस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, पब्लिक जिस चीज़ को बढ़ावा देती है, उसी चीज़ों को, उसी गानों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग अगर पसंद नहीं करेंगे तो फिर वैसे गाने भी नहीं बनेंगे। आज अगर यूट्यूब खोल के देखेंगे तो लाइन टू लाइन लाइक कितने सारे हज़ारों लाखों करोड़ों सॉन्ग्स वल्गर सॉन्ग्स है, जो तो सीधा गालियों से लिखे जाते हैं सॉन्ग्स। क्या गवर्नमेंट चीज़ वो नहीं देख रही है? और मैं तो सारी जनता को जो केसारी जी को सपोर्ट कर रही है उनको तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि थैंक यू सो मच, आप एक एक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता उनकी गलती है इन चीज़ों में, या अश्लील गानों की बात आ रही है उसमें। या राइट, अश्लील गाने नहीं गाने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की औरतें हैं, बेटी है, बहन है, बहुत लोग जो नहीं सुन पाते, और कोई सुन भी नहीं पाता, मैं भी नहीं सुनती हूँ, नहीं गाने चाहिए। बट आप लोग भी तो उसको दर्जा दे रहे हैं ना। और ऐसे सिर्फ हमेशा पॉइंट आता है तो केसारी जी के ऊपर ही आता है कि केसारी लाल ही अश्लील गाने गाते हैं। सो ये गलत बात है। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि अश्लील गाने कितने लोग गाते हैं, कितने लोगों ने गाया है। खैर, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जिन लोगों ने, आई थिंक शायद आप लाइव हो और आप मुझे देख रहे हो, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप लोगों ने
जो भी किया अच्छा नहीं किया, एंड मैं ये कहना भी चाहती हूँ उनको कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ें प्लीज़ आइंदा कभी ना दोहराए। आज ये हो गया है कि बिहार का एक्टर जिनको आप लोगों ने बनाया है, आज वो अपनी धरती पे सेफ नहीं है, वहाँ पे उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। ना गवर्नमेंट वहाँ की साथ देती है मूवीज़ के लिए, ना थिएटर्स बन रहे हैं हमारे अच्छे। हम इतनी कोशिश करते हैं हमेशा कि हम अपने बिहार को अच्छा से अच्छा बनाएं और अच्छे से अच्छे थिएटर्स वहाँ बने, और हम हमेशा उनको रिक्वेस्ट करते हैं। मैं हमारी जब भी मूवी रिलीज़ होती है हम रिक्वेस्ट करते हैं हर उनको कि आप प्लीज़ गवर्नमेंट को कि प्लीज़ आप अच्छे थिएटर्स बनाएं हमारी पब्लिक के लिए। हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। हेलो, हाँ, ऊपर आ जाओ ना। नहीं, मैं लाइव आई हूँ ना इसलिए। हाँ, आज हमारी इंडस्ट्री का कोई भी बंदा सपोर्ट में नहीं आया है, बिकॉज़ हमेशा पॉइंट आउट हुआ है खेसारी लाल पे एंड खेसारी जी पे कि वो अश्लील गाने गाते हैं। तो मैंने भी कई मूवीज़ में काम किया है जहाँ अश्लील सॉन्ग्स होते हैं, अश्लील तरीके से स्टेप्स दिखाए जाते हैं करने के लिए, जहाँ हम अनकंफर्टेबल होते हैं हमेशा। और मैं हमेशा उस चीज़ को इग्नोर करती हूँ और मैं खुद पर्सनली बोलती हूँ कि ये सारी स्टेप्स मैं नहीं करूँगी। जो मैं अपने खुद जाके देख सकूँ मैं वैसी स्टेप्स करूँगी। तो मेरी हर लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर आपके बिहार के ही लोग, अगर बिहार के ही एक्टर जिनको आप लोगों ने बनाया है, अगर वो आपके बिहार में सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? वो तो वहाँ आने से भी हमेशा डर लगेगा सबको। और वो इंसान जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ पे लाखों की भीड़ लग जाती है, इतना लोग उनसे प्यार करते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? जितने भी राम जीवन मंदाल जी ने मैसेज किया है, जितने भी कलाकार हैं बिहार के अंदर, सबने भोजपुरी को नाम खराब करके रख दिया, पूरा अश्लीलता दिखा दिया है। जब मेरे कहने का मतलब माता बहने बिहार के अंदर है, सब लोग इसका विरोध करे जो भी अश्लील। ऑफ कोर्स हर चीज़ का आप लोग को राइट है एक्शन लेने का, और ख़ास करके गवर्नमेंट को है। अगर गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर सकती है, आज हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में अश्लील गाने वहाँ पे भी शूट होते हैं, बट उनके शूट करने के तरीके अलग होते हैं, दिखाने के तरीके अलग होते हैं, और वहाँ पे मल्टीप्लेक्स में मूवीज़ लगती हैं, हर एक चीज़ें हैं वहाँ पे। तो लोग बहुत अच्छे से सब जाके देखते हैं, अश्लील गाने हो या छोटे कपड़ों में हो, बिकिनी तक में वहाँ पे शूट होता है, तो वहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं लेता है। भोजपुरी में तो मैंने अभी तक तो किसी लड़की को बिकिनी पहनते तो नहीं देखा है भोजपुरी एक्ट्रेस में, तो मुझे नहीं लगता कि और पता नहीं लेकिन क्यों हिंदी और हमेशा भोजपुरी में क्यों इतना वो कंपेयर किया जाता है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील गाने बने हैं, आई अग्री, और आज भी हम लोग रोकते हैं उन चीज़ों को कि कोई ऐसे गाने ना बनाए, और हम समझाते भी हैं, बट हमेशा पॉइंट किसारी जी पे क्यों जाता है? सिर्फ वही इंसान है, वही एक स्टार है जो अश्लील गाने गाते हैं। अगर जिसने भी ये करवाया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, अगर यही सब होता रहेगा तो हमारे बिहार के कलाकार सेफ कैसे महसूस करेंगे अपने बिहार में? अगर आप अश्लील गानों से इतना ही वो करते हैं तो प्लीज़ आप गवर्नमेंट के पास जाइए, वहाँ से आप डिक्लेयर करवाइए कि अश्लील गाने नहीं बनने चाहिए और यूट्यूब पे वो आने ही नहीं चाहिए। वो तो आप कर सकते हैं ना, इस तरह से आम पब्लिकों के बीच, अगर पब्लिक को कुछ नुकसान हो जाए, भागदौड़ में लग जाए, या कितने सारे डेथ होती है वहाँ पे, कितने सारे लोगों को नुकसान हो सकता है, तो बहुत गलत बात है।
सीरियसली वेरी डिसअपॉइंटेड. मुकेश कुमार ने कहा है, हिंदी में बहुत है, वहां लड़कियों को पूरा नंगा दिया दिखाया जाता है जबकि भोजपुरी में कभी नहीं पहना जाता है, पर फिर भी लोग नहीं समझते हैं. ये हमारी क्वेश्चन यही होती है हमेशा कि भोजपुरी में क्यों. अभी एक जो तनुश्री दत्ता जी का जो आ रहा था सारा चीज़ें अभी हुआ था, उनकी जो आशिका आशिक बनाया आपने फिल्म थी, उन्होंने तो पूरा बैकलेस था उनका, तो सारे उनके कपड़े उतारे गए थे. तो वो वल्गर फिल्म नहीं है, वो तो सब लोग देखने गए थे. क्यों देखने गए? वो वल्गर नहीं है, वो अश्लील नहीं है. यहाँ पे लड़कियों को अगर नंगा करके नचा दो तुम लोग तो वो अश्लील नहीं है हिंदी में, और भोजपुरी में सिर्फ वर्डिंग्स हैं तो वो अश्लील है. बट यस, अश्लील है, आप उसको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो कभी किसी लड़कियों के कपड़े नहीं उतारे गए हैं. तो हिंदी को इतना मान सम्मान दिया जाता है तो भोजपुरी को क्यों नहीं देता, जबकि हमारी मातृभाषा है. ऑफ कोर्स भोजपुरी में अश्लील गाने बंद हो जाए, गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगी. और बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इतना पॉइंट मत करिए. अश्लील गाने अगर आपको बंद करवाने ही हैं तो आप लोग अश्लील गाने सुनिए मत, आप उनको बढ़ावा दीजिए मत. और जिन लोगों ने वो करवाया है उनसे तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आपके बिहार के ही है वो, और आप ही लोगों ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनका सपोर्ट करिए, ना कि उनको इस तरह से कोशिश करिए. आज वो जिस हालत में है, बहुत ब्रेव है वो और हमेशा रहेंगे. उनके सपोर्ट में पूरी जनता है, करोड़ों पब्लिक है उनके सपोर्ट में और हमेशा रहेंगे. हमारे सारे जो इतने फैंस हैं प्यारे से, सारे उनके सपोर्ट में हैं. सो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा. और हमेशा सपोर्ट करते रहिए. और अश्लील गाने से जब इतनी नफरत है तो प्लीज़ आप लोग सुनिए मत, और ना ही कोई बनाएगा आगे से. जिस चीज़ को व्यूअर्स इतने सारे मिलते हैं तो क्यों लोगों को बस अंदर यही रहता है, और व्यूअर्स बढ़ाने के लिए लोग अश्लील गाने बनाते जाते हैं ताकि वहाँ से पैसा इनकम मिले उन लोग को. तो बढ़ावा तो आप ही दे रहे हैं ना, ये आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? भोजपुरी में सब गलत है, अश्लील पर जहां भी है को शो को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है. यस, ये ट्रू है कि हमेशा सिंगर एक इंसान नहीं है जो अश्लील गाने गाता है. भोजपुरी में जितने भी लोग हैं सारे अश्लील गाने गाए हैं या शूट हुए हैं. एज एन एक्टर मैं कह रही हूँ ये बात, और इस चीज़ से मुझे डर नहीं लग रहा है कहने से, बिकॉज यस, हमने भी काफ़ी फेसेस किए हैं इन सब चीज़ों को. अगर आप लोग सुन आप लोग को अगर पता नहीं है तो आप मुझे अपना ईमेल आईडी सेंड कर दीजिए, मैं आपको सारे सॉन्ग की लिस्ट भेज दूँगी जो भी अश्लील गाने हैं. अगर आप लोगों की नज़र में वो बहुत साफ सुथरे सॉन्ग्स हैं तो हेडफोन है सब लोग को, बट अगर तो इसका मतलब तो यही होता है कि आप लोग कोई आप लोग का तो कोई अलग ही वो चल रहा है, ट्रैक चल रहा है, और हर जगह से आपको खेसारी जी को ब्लेम करना है, खेसारी जी के ऊपर पॉइंट आउट करना है कि वो ही अश्लील गाने गाते हैं, उन्हीं की वजह से इंडस्ट्री बिगड़ी है. तो नहीं, ये गलत बात है. वो जब इस इंडस्ट्री में नहीं थे उसके पहले भी अश्लीलता फैली हुई थी इस इंडस्ट्री में, और मैंने ये सुना है. मुझे भी 7 ईयर्स हुए यहाँ पे, और हमारा करियर साथ में ही स्टार्ट हुआ था. खेसारी जी की भी पहली फिल्म आई थी और मेरी भी पहली फिल्म आई थी, साथ में ही आई थी बट अलग अलग फिल्में थी. बट उसके पहले भी अश्लीलता इस इंडस्ट्री में थी, तब तो किसी ने कोई कुछ नहीं किया. आज वो अगर बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं सो इसका ये मतलब हुआ कि उनकी ऊंचाई देख के वो जहाँ पहुंचे हैं उस चीज़ को यही माना जाएगा ना कि कोई
जलन है या कुछ है कि वो वहाँ कैसे पहुँच गया, या वट एवर जो भी होगा थिंकिंग, जिसका भी थिंकिंग होगा, इसका मतलब यही होगा कि वो वहाँ पहुँच गए हैं, उनको वहाँ से डाउन करने के लिए यही सारी चीज़ें हो रही है। गलत बात है, वो मेहनत करके पहुँचे हैं वहाँ तक और हम देख रहे हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, बिना खाए पिए पब्लिक के लिए 5-5 घंटे 6-6 घंटे कंटिन्यू डांस करते हैं, स्टेज पे रहते हैं। हम लोग भी शोज़ करने जाते हैं बट हमें बिठा देते हैं क्योंकि पब्लिक उनसे ज़्यादा इन्जॉय करती है और वो जिस तरह से पब्लिक को इन्जॉय करवाते हैं हम देखते हैं वहाँ पे। तो इतना पब्लिक को वो हंसाते हैं, फन कराते हैं, तो क्यों नहीं, पसीना पसीने की कमाई है एंड इतनी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, हम सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए और वो स्टार है हमेशा रहेंगे बिकॉज़ खून पसीना एक करके आज वो वहाँ पहुँचे हैं और भगवान करे और भी आगे जाए वो, हम तो यही दुआ करेंगे। उन लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ इस तरह के स्टेप्स आगे मत उठाइए, आपके बिहार का नाम ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा। बिहार में हमेशा सुना जाता है कि इतने क्राइम होते हैं, ये होता है वो होता है, क्यों? अरे थैंक यू सो मच मनु जी, आशीष पांडे, अभय कुमार जी, शाहिद हुसैन, वैशाली जिला में किसारी जी के ऊपर किसी ने हमला किया बिकॉज़ रीज़न ये आया है कि वो अश्लीलता बढ़ा रहे हैं। इस वजह से कई लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए बता रही हूँ उन लोगों को कि ये रीज़न है। सो यस ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी फाइन एंड सब अच्छा होगा और बस गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे, प्लीज़ हमारे बिहार के आर्टिस्ट है, एक्टर्स है, जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करिए। और उसी जगह अगर बिहार में बॉलीवुड के एक्टर्स आ गए हैं तो उनको मान सम्मान इतना मिलेगा आप पूछ नहीं सकते, और अगर बिहार का एक्टर कोई आता है वहाँ पे तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तरीका है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर बॉलीवुड के कोई स्टार्स आते हैं वहाँ पे तो आगे पीछे कितने सारे गार्ड्स एंड ऑल सारी चीज़ें, पूरे प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन सारा इतना हो जाएगा, तो हमारे बिहार के भी एक्टर्स हैं, बिहार के भी स्टार्स हैं, तो उनको क्यों नहीं मिलता है वहाँ पे? गवर्नमेंट सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स को ही मानती कि हाँ यही सुपर स्टार्स हैं। आज अगर ये लोग खड़े हो जाएंगे एक जगह पे, पवन जी है, दिनेश जी है, खेसारी जी है, काफ़ी लोग हैं, अगर सब लोग एक जगह खड़े हो जाएंगे तो क्या वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पब्लिक खड़ी नहीं होती है क्या? होती है, ऑब्वियसली होती है। सो दे आर स्टार्स और मैं तो चाहूँगी हर स्टार के लिए वहाँ पे आप लोग गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे उनको एंड इस तरह का व्यवहार वापस दोबारा ना हो, बस यही दुआ है। एंड हमेशा सब सेफ रहे और मैं तो सारे आर्टिस्ट एंड सारे एक्टर, सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को मैं भी ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ वल्गर सॉन्ग्स बंद कर दीजिए, अश्लील सॉन्ग्स मत लाइए, डबल मीनिंग के सॉन्ग्स मत लाइए। क्यों ना एक स्टेप हम भी उठा लें और हम लोग कोशिश करें, अगर पब्लिक यही हमेशा रीज़न देती है कि अश्लीलता की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एक बार बंद करके भी देख लीजिए आप लोग। सिर्फ पैसे कमाने के लिए अश्लीलता फैलाना, इट्स नॉट राइट, ये कोई बात नहीं होती है। खेसारी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे एंड बस उनको दुख हुआ इस चीज़ का कि उनके बिहार के लोगों ने उन पे हमला किया, और ऑब्वियसली अगर हमारे ही देश में जहाँ मैं पला बड़ा, जहाँ मैं पैदा हुआ, जिस धरती पे, वहीं पे उनके दुश्मन हैं, तो फिर दुनिया की तो बात ही नहीं होती है।
उस चीज़ का, अगर मैं उस जगह होती तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। और जिन लोगों ने पत्थर मारे और सारी चीज़ें की, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने खेसारी जी के गाने नहीं सुने हैं कभी, आप भी सुनते होंगे, आप भी उतने ही मज़े से सुनते होंगे जितना सब लोग सुनते हैं। तो कैसे आप लोग ये सब कर लेते हैं? सबके घर में उनकी फैमिली है, उनके 2 बच्चे हैं, बीवी है, सब लोग हैं, तो उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। और सबके फैमिली है, सबके बीवी बच्चे हैं। आज अगर किसी इवेंट में इस तरह से भगदड़ मचती है तो वहाँ पे कितने सारे लोग मर भी जाते हैं, तो वो भी तो किसी ना किसी के बेटे हैं, बच्चे हैं, किसी के पति हैं। तो बस रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ आप लोग दोबारा ये सब ना फैलाएं। हेलो, नहीं, अरे लाइव में फोन करती हूँ। गॉड, कुछ आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब लोग खेसारी लाल भाई के साथ हैं। आप लोग कौन भाई एंड खेसारी भाई एंड दिनेश लाल यादव जी को मिलकर पिक्चर बनाया, कोई कुछ ना? यस ऑफ कोर्स, मैं जानती हूँ आप सब सपोर्ट करेंगे हमेशा और उन लोग के साथ रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं अपने सारे फैंस को कहना चाहूँगी कि हम हमेशा साथ रहेंगे उनके, और हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज़ वो गलत नहीं है। अश्लीलता लोगों ने फैलवाई है, उनकी गलती नहीं है। जिस चीज़ को आप लोग दर्जा देते हैं वही चीज़ें उभर के आती है। आप लोग जिस चीज़ को दर्जा नहीं देंगे तो वो उभर के नहीं आएगी। बस मैं यही कहूँगी, आप लोग पसंद मत करिए उन सब सॉन्ग्स को, उन सब चीज़ों को, तो शायद अश्लीलता हमारी इंडस्ट्री में बंद हो जाएंगी। और बस आप में से कोई भी अगर गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुंचा सके तो प्लीज़ पहुंचा दीजिए। मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग यूट्यूब में से जो भी अश्लील सॉन्ग्स है आप उसे बंद करवाइए और उस पर बैन करवाइए, ताकि कभी भी ऐसे सॉन्ग्स ना आए। और मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी सिंगर बनने के लिए कोई भी सॉन्ग्स उठा के गा लेते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं, चाहे गाली गलौज हो या कुछ भी हो, आप लोग यूट्यूब खोल के देख सकते हैं कितने सारे आप लोग को सॉन्ग्स मिलेंगे। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और खेसारी जी, और एक बात मैं कहना चाहूँगी, खेसारी जी कहीं से भी कोई क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन में कहीं से भी कहीं नहीं जा रहे हैं वो, एंड ना ही कभी जाएंगे, बिकॉज़ वो एक्टर बन के ही बहुत खुश है, पब्लिक को एंजॉयमेंट कराने में ही बहुत खुश है। सो कभी वो उस तरफ नहीं जाने वाले हैं। वो रूमर्स फैले थे कि वो कोई पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर रहे हैं या जो भी है, वो एक रूमर्स था, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। एंड मैं हर इंसान से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इस तरह की घटनाएं दोबारा मत दोहराइएगा, प्लीज़। मैं भी एक एक्टर हूँ, मुझे भी कल वहाँ पे इवेंट करने आने आना हो सकता है। तो एक डर तो हर इंसान के अंदर अभी बैठ गया होगा, बिकॉज़ उन सारे सॉन्ग्स पे हम भी परफॉर्म करते हैं, बट हमारी भी मजबूरी होती है, बिकॉज़ वो सॉन्ग्स होते हैं और वो हमें करने होते हैं, तो हम अपने दिल से नहीं करते हैं। बट हम लोग जितना उसको वल्गर सॉन्ग्स को भी हम लोग जितना साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, हम उतना मेहनत करते हैं। सो प्लीज़ आज एक न्यूज़पेपर में आई थी कि वहाँ पे जो शहीदों के नाम पे कोई न्यूज़पेपर का कटिंग आया था हमारे पास, कि शहीदों के नाम पे पैसा उन्होंने लिया था या ऐसा कुछ तो था। सो आई डोंट नो वहाँ पे कौन सा क्या इशू हुआ और क्या नहीं था, बट ओवरऑल ये पता चला कि अश्लीलता की वजह से ये सब हुआ। सो डोंट ब्लेम, एक पर्सन पे ब्लेम करना मुझे नहीं लगता कि सही बात है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोग सब अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, और आज के बाद अश्लील गाने बिल्कुल मत सुनिए।
और ना ही उन चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। और सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हो हमारे इंडस्ट्री के, मैं तो उन सबको भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी अश्लील गाने बनाना बंद कर दीजिए, ताकि अश्लील गानों की वजह से आज हमारे एक्टर्स ही सेफ़ नहीं हैं। सो अगर वो एक्टर्स ही नहीं रहेंगे जिनसे इतने सारे फैन से हमारे जुड़े, तो फिर इट्स नॉट गुड साइन। टू हंड्रेड फी रख के 600 ले रहे थे सब, तो ये सब हुआ। ओ पता नहीं किसने कौन सी साजिश रची, बट आप लोग समझदार हैं। और हेलो, हाँ, कोई इशू नहीं है हमारा ही। हाँ तो बस रिक्वेस्ट, हार्टली रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सबको हमेशा, आप सब प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अश्लील गाने देखना बंद कर दीजिए। और उन सब से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग एक इंसान को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। अगर आप लोग अश्लील चीज़ें से ही आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ यूट्यूब को जो अश्लील गाने हैं उन सबको बैन करवाइए, वो हमारी रिक्वेस्ट है। बस और कुछ नहीं कहेंगे, एंड रिक्वेस्ट करेंगे कि आइंदा से ये सब चीज़ें ना दोहराई जाए। पर्सनली दुश्मनी, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता पर्सनल कोई दुश्मनी होगी, बिकॉज़ खेसारी जी तो बिहार में रहते भी नहीं हैं, और उनके दुश्मन क्यों होंगे जब वो इतना एंटरटेन करते हैं हर पब्लिक को, हर फैंस को, तो उनके पर्सनल क्यों दुश्मन होंगे वहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। चंदन चौहान जी, किसी ने भोजपुरी को गंदा नहीं किया है, और हम लोग तो हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना हो सके हम उतना भोजपुरी को हम नीट एंड क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। बस हम यही कहेंगे और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते आप सबसे, प्लीज़ हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, हमने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, और अभी 3 साल से तो लाइक इंडस्ट्री में काफ़ी सुधार हो चुका है। बीच में कुछ 5 साल पहले बहुत वल्गर फिल्म्स बनती थी जिसमें आइटम सॉन्ग्स एंड सारी चीज़ें होती थी, तो वहाँ से अश्लीलता बहुत फैलती थी, तो उन चीज़ों को हमने रोका है। आज 3 साल से कोई भी हमारी फिल्में उठा के देख लीजिए, अगर आप लोग को वल्गर कोई सीन भी मिल जाए तो हमें बता दीजिए। पंकज जायसवाल, थैंक यू सो मच। लेकिन केसारी भैया के साथ में आप मूवी देखते रहिए तब हम खुश रहेंगे, क्योंकि आई लव यू एंड आई लव यू, आई लव यू केसारी भैया, थैंक यू सो मच, लव यू टू। और आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है, आप सबके ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, और जितना मान सम्मान हमारे भोजपुरी एक्टर्स को मिलना चाहिए उतना दीजिए। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, गवर्नमेंट से दरख्वास्त है प्लीज़ कि आप हमारे बिहार के जितने भी स्टार्स हैं सब लोगों को प्रोटेक्शंस दीजिए, और ख़ास करके खेसारी जी को दीजिए, बिकॉज उनके ऊपर तो एक लेबल लग चुका है अश्लीलता का, जबकि वो इतने तो अश्लीलता सॉन्ग्स मैंने तो आज तक नहीं सुने हैं, जितने बाहर के लोगों ने जितने गा के उतना उतना गंदा कर चुके हैं मुझे नहीं लगता है। तो आप सब देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, सिर्फ एक स्टार नहीं है जिनके ऊपर ये हुआ है कि अश्लील गाने गा रहे हैं। मुझे आप भेजिए अपना ईमेल आईडी, मैं आपको सेंड करती हूँ कितने सारे अश्लील सॉन्ग्स है, बस यही कहूँगी और कुछ नहीं कह सकती मैं। थैंक यू सो मच पब्लिक और मेरे सारे फ्रेंड्स को, थैंक यू सो मच, और हम हमेशा खेसारी जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, इसमें कोई भी वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और लव यू, और हमेशा आप अपने जो सुपरस्टार खेसारी जी है
हमारे अच्छे दोस्त उनको सपोर्ट करिए और हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और मेरी मैं डर नहीं रही थी कि मैं लाइव क्यों नहीं आ रही थी या कुछ भी, ऐसा कोई कोई था नहीं रीज़न। आज मैं लाइव आई हूँ, उन्हीं के लिए आई हूँ और उन्हीं की बात कर रही हूँ। और भगवान हम हमेशा उनको सलामत रखें। सब लोग ऑफ कोर्स बहुत लंबी उम्र होगी और हमेशा जब तक बूढ़े नहीं हो जाते हो तब तक आपको एंटरटेन करेंगे। और मैं खुद उनके शोज देख के बहुत हैप्पी होती हूँ और जितना वो फन कराते हैं आप लोग को जितना फन कराते हैं वो, हेड्स ऑफ उनको। जितना 5 घंटे वो दो अपने पैर पे खड़े रहे, पानी तक नहीं पीते 5 घंटे, तो उनको मैं सैल्यूट ही करूँगी। और आप सब भी जानते हैं कि आपके लिए वो कितनी देर आपके लिए परफॉर्म करते हैं। वो उनके साथ हीरोइंस भी जाती है बट वो स्टार्ट करते हैं, हीरोइंस के साथ भी परफॉर्म करते हैं, फिर वापस अपने पे ही करते हैं। तो हेड्स ऑफ है उनको। और जितना वो अपने आप को सिंगर देवेंद्र सिंह राजपूत, इन्होंने अपना ईमेल आईडी सेंड किया है वो किंग है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, स्टेज के किंग है और हमेशा रहेंगे। और भगवान करे आप हमेशा ऊपर रहे और हमेशा इतना तरक्की करते रहे, बस यही दुआ करेंगे हम लोग। मैं भी आपकी फैन हूँ बहुत बड़ी की सारी जी तुम्हारी फिल्म मैं बहुत देखता हूँ। हाँ, फिल्मों की बातें नहीं करेंगे, उसके लिए मैं कल वापस लाइव आऊँगी। बट आज केजारे जी को मैं स्पेशली चाहूँगी, गवर्नमेंट इंसाफ दिलवाए एंड प्रोटेक्शंस मिले हमेशा हर आर्टिस्ट को मिले। एंड खेसारी जी सिर्फ अश्लील सॉन्ग्स नहीं गाते हैं, मैं ये आखिरी बार बता रही हूँ। और आप लोग अगर आपको लगता है कि वो ही सिर्फ गाते हैं तो आप लोग जाइए सर्च करिए यूट्यूब पे और बताइए कि किसने सबसे ज़्यादा अश्लील गाने किए हैं, तब आप लोग किसी को ब्लेम करिए। क्योंकि किसी से छुपा नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बस मैं अभी आप सबसे विदाई लेती हूँ और कल मैं फिर लाइव आऊँगी। और हो सके तो शेयर करिए। और जिस इंसान ने ये सब करवाया है, मुझे नहीं पता किसने करवाया है क्या नहीं है, बट उन लोग तक ज़रूर पहुँचाएँ जो सिर्फ अश्लीलता को लेके खेसारी जी को हमेशा पॉइंट आउट करते हैं कि वो अश्लील गाने गाते हैं, अश्लील चीज़ें बनाते हैं। तो उनसे उन तक पहुँचवाइए कि जब इतने अश्लीलता से प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज़ गवर्नमेंट के पास जाके आप लोग उनसे परमिशन लेके यूट्यूब में सारे अश्लील सॉन्ग्स को बैन करवाएं, चाहे मूवी के हो, चाहे मूवीज़ हो अश्लील, या सॉन्ग्स हो, एल्बम्स हो, कुछ भी हो, बैन कर दीजिए। सिंपल सी चीज़ है। और मैं सारी पब्लिक और सारे फैंस को बोलूँगी, आप लोग भी मत सुनिए अश्लील सॉन्ग्स। आप लोग जब सुनते हैं तभी तो वो लोग बढ़ाते हैं, तभी तो सब लोग गाना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल सी चीज़ है। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू। और हमेशा सपोर्ट करिए, हमेशा खुश रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू, लव यू।